चलिए आगे लिखिए इसमें। कल हमने बैंड डायग्राम तक कर लिया था ना, फर्मी नदी का बाबू लिखवा दिया था। इम्पोर्टेंट है, देख लेना इसकी रिकॉर्डिंग पड़ी। इसके क्वेश्चन आते हैं बैंड डायग्राम में, थोड़ा मोटा मोटा आपको बता देते हैं कि हमने कल क्या डिस्कस किया था। हाँ, उसमें ये था कि सिलिकॉन गैट में ये दूसरा सिलिकॉन गैट है, जब ये इंडिविजुअली पड़े होते थे तो इनके पास कितनी स्टेट्स थी टोटल, इसका कैलकुलेशन क्या था। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। तो यहाँ पे टोटल 8 स्टेट होती थी। दो स्टेट कौन सी थी, 2s, और 6 स्टेट कौन सी थी, p की। क्योंकि p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाते होते हैं, 6। तो टोटल स्टेट कितनी होगी यहाँ पे, 8, 8। और 8 में से 4 क्या है यहाँ पे, अकोपाइट। और 4 यहाँ पे क्या थी आपकी, अनुप्रवाह। अगर आप एन सिलिकॉन एटम लोगे, एन, तो कितनी स्टेट्स होंगी टोटल, 8n हो जाएगी। और 8n में से 4n क्या रहेंगी, अकोपाइट। और 4n रहेंगी आपके अनअकोपाइट। और जब हमने इसका एनर्जी बनाया था तो कुछ ऐसे बना था, ये बहुत दूर दूर होंगे तो 2s वालों का एनर्जी नीचे रहेगा, 2p वाले इलेक्ट्रॉन का क्या रहेगा, क्या कह रही है, 3s वालों का नीचे होगा एनर्जी लेवल, और 3p वालों का क्या होगा, ऊपर। ये तो पढ़ी रखा है कि 3s का एनर्जी कम होता है, p का क्या होता है, ज्यादा। लेकिन जब दोनों क्लोज आएंगे तो फिर क्या होता था, जब क्लोज आएंगे बॉन्डिंग के लिए, तो इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होना स्टार्ट होता था s में से, और कुछ का क्या करता था, बढ़ना स्टार्ट होता था। सिमिलर की पी का कम होता था, उसका क्या होता था, बढ़ता था। तो इस स्टेट पे क्या होता था कि दोनों का एनर्जी क्या होता था, सेम। उसके बाद अगर आप और क्लोज लेके आते हो तो ये और कम, ये और ज्यादा है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट बैंड बन जाते थे, यहाँ ये वाला बैंड एक और एक ये वाला बैंड। इस नीचे वाले बैंड को हमने क्या नाम दिया था, वैलेंस बैंड, और ऊपर वाले को क्या दिया था हमने, कंडक्टर बैंड। अब इलेक्ट्रॉन्स की दो तरह की एनर्जी बन चुकी है, एक लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, एक कौन से होंगे, हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स। लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन किस चीज का काम करते थे, वैलेंसी का काम करते थे, और हाई एनर्जी वाले क्या काम करते थे, कंडक्शन का, वो मूव करेंगे और करंट बनाएंगे, ये लॉजिक था। तो फिर हमने इस डायग्राम को थोड़ा इजी में ड्रा किया था कुछ ऐसे, क्या मान लीजिए नीचे की तरफ वैलेंस बैंड है, जो बैंड सा बना था इसको वैलेंस बैंड बोला था, और ऊपर की ओर कौन सा बन गया था, कंडक्शन बैंड। और इनके बीच के एनर्जी गैप हमने क्या बोला था, ईजी, क्योंकि इनके बीच का एनर्जी गैप होगा। इस एनर्जी गैप के बेसिस के ऊपर हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन, कि किसको कंडक्टर बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंसुलेटर। कंडक्टर का क्या कंडीशन था वहां पे, क्या था कि जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है, दोनों आपस में क्या करते थे, ओवरलैप करते थे, मतलब इनका एनर्जी का बड़ा ही कम होता था। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन भी रूम टेम्परेचर पे क्या करेंगे, ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे क्या करते थे, कंडक्ट करते थे। और इंसुलेटर का क्या सीन था, उसमें डिफरेंस क्या था, बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे तो ये कर ही सकते थे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ जा ही सकते। और सेमीकंडक्टर में कैसे होता, ना ज्यादा ना कम, अगर आप थोड़ा सा हीट करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। तो सेमीकंडक्टर क्या करेंगे, हाइयर टेम्परेचर पे क्या करेंगे, ये अच्छे कंडक्टर होंगे। अब आप एग्जैक्ट वैल्यूज लिख लीजिए जरा, वो भी आपसे कई बार पूछी जाती है। सबसे पहले आप लिखें इंसुलेटर का, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया कि
अगर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में डिफरेंस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है एनर्जी का, तो वो इंसुलेटर माना जाता है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, अगर बैलेंस और कंडक्शन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, और वो 2 भी हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है, तो उसको हम सेमी कंडक्टर बोलेंगे। और जो तीसरा वाला आपका कंडक्टर है, उसका कंडीशन है कि 0.5 बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड। तो अगर ये एनर्जी गैप 0.5 से कम रहता है तो वो कंडक्टर माना जाएगा मटेरियल। अब यहां से एक चीज सीख सकते हैं, वैसे वो हम सेकंड चैप्टर में करेंगे उसको अच्छे से, कि जो एलईडी बल्ब होते हैं ये कैसे काम करते हैं। देखिए मान लो आपके पास ये सेमी कंडक्टर ही है, तो बता देता हूं, ये कनेक्शन है, ये मान लीजिए बैलेंस बैंड। अगर मैं किसी भी तरीके से इस एनर्जी गैप को कंट्रोल कर पाऊं ना, मैं अपने हिसाब से लाइट को प्रोड्यूस कर सकता हूँ, रेड कलर की करनी रेड की कर सकता हूँ, ब्लू की करनी ब्लू की कर सकता हूँ। मान लो ये एनर्जी गैप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, तो अगर इधर से बाहर से कोई फोटोन आएगा जिसकी एनर्जी कितनी है, तो वो फोटोन क्या कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाएगा, कंडक्शन बैंड में ले जाएगा। हम बोलेंगे कि फोटोन क्या कर दिया, इसको एक्साइट कर दिया, ठीक है। ये तो सिंपल प्रोसेस है कि 2 इलेक्ट्रॉन का फोटोन आया, उसको एक्साइट कर दिया। अब इसका अगर हम उल्टा कर पाए किसी भी तरीके से, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को डी एक्साइट कर दे कहां, दोबारा फिर बैलेंस बैंड के अंदर, तो फिर कितनी एनर्जी का फोटोन बाहर निकलेगा, एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो हम लोग लाइट की एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकले, तो आप मटेरियल को ऐसे तैयार करोगे कि एनर्जी गैप कितना हो, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन बाहर फेंकेगा, समझ आ गया। अब ये एलईडी जो है ना, ये 7 कलर बना रही है, तो इसके अंदर बहुत सारे एनर्जी गैप्स होंगे 7 के 7, तो वो कंबाइन वगैरह कर रहे हैं, व्हाइट कलर आपको दे रहे हैं। तो ये हम एलईडी मतलब छोटा सा प्रिंसिपल है एलईडी का। इसमें क्या होता है, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, फिर वो फोटोन निकलता है बाहर। अब इसके बाद देखिए covalent ionic bonding, जो pictures of the covalent ionic bonding, तो ये दो silicon atom दिखा रहे हैं, और इनका लास्ट शेल दिखाया आपको जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है सिलिकॉन की। अगर 2 सिलिकॉन आपस में नजदीक आएंगे तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवलेंट के आयनिक। जब भी 2 सेम एलिमेंट आपस में जाते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, हमेशा कोवलेंट, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होगी, आपस में सेम होगी। तो ये अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करते हैं, आपने सुना होगा कि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो शेयरिंग कैसे होती है, अगर थोड़ा प्रैक्टिकली देखे, मुझे चाहिए इस चीज को ना आगे बढ़ने के लिए।
बताया था मैंने पहले भी कि यहाँ पे क्या होता है, एट का फॉर्मेशन होता है। देखो ये इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें तो ऐसे घूम तो रहे हैं इसके राउंड, तो ये यहाँ भी चला जाता है इसके राउंड ऐसे, इसका दूसरा जाएगा, इसके राउंड तो घूमेगा ही और एक चक्कर इसके राउंड लगा देगा, तो ऐसे इसका तीसरा करेगा, ऐसे इसका चौथा करेगा। सेम यहाँ पे ये भी करेंगे, इसके राउंड तो घूमेंगे और साथ में वहां भी चले जाएंगे, तो ऐसे ही इसके भी 8 हो जाते हैं, उसके भी कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। ऐसे बॉन्ड को कौन से बोलते हैं हम लोग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसमें बोलते हैं कि शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन का। तो फिर आयनिक कैसा होगा, मतलब सोडियम और क्लोरीन है, सोडियम छोटा होगा, क्लोरीन क्या होता है, क्योंकि कटायन छोटा होता है, अनायन क्या होता है, बड़ा होता है साइज में। इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन ही लूज करता होता है ना, सोडियम ये क्या करता होता है, गेन, एक्चुअली लूज नहीं करता है, इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है। ये बहुत थोड़े समय के लिए कहाँ रहता है, सोडियम की तरफ, ज्यादा समय कहाँ रहता है, ये क्लोरीन की तरफ। तो यहाँ पे कौन सा नेक्स्ट चार्ज रहता है, पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। अब मैं ये वाला पिक्चर थोड़ा यूज करना है नेक्स्ट टॉपिक में, अब फिलहाल जो ये सारे इलेक्ट्रॉन है ना ये वाले, इन सभी का एनर्जी क्या होगा, लो क्या है, इलेक्ट्रॉन सारे लो एनर्जी के हैं, तो ये क्या एक्ट कर रहे हैं, तो ये बैलेंसी का काम कर रहे हैं, उसके अराउंड घूम रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसके क्रिस्टल को हीट करूं तो क्या होगा, तो इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जो अगर आप पीछे चले जाएं तो इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड से अलग जगह नहीं है वहां पे, मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन आपने थोड़ा इसको एनर्जी मिल गई, ये दूर चला गया, ये यहाँ चला गया, इनके बीच में आ जाएगा ये, जैसे एक्चुअल में ऐसे होती है क्रिस्टल लैटिस, ये कोई जाल नहीं होती है जेटे वो बैरिकेड लाए होते हैं, बाउंड्री बनाई होती है, ठीक है ना, उनको फेंसिंग। फेंसिंग, यस। तो ये इनके बीच जो खाली जगह होगी ना, ये एटम होंगे यहाँ पे, ये सारे एटम हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन की खाली जगह के अंदर चले जाते हैं, इनको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ये फ्री हो गए, तो ये घूमते रहते हैं हर जगह से। लेकिन जो बाकी इलेक्ट्रॉन है जो बचे हुए हैं वो क्या काम कर रहे हैं, स्टिल वो घूमे जा रहे हैं, वो वैलेंसी का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका एनर्जी कम है। तो ये जो फ्री हो जाता है, ये बिटवीन जो स्पेस होता है एटम्स का वहां चला जाता है, इसको छोड़ के नहीं जाता, ये पूरी लैटिस है, ये भी आप नोट रखें, लैटिस को वो छोड़ के नहीं जाता। क्या लिखते हैं पूरा पॉइंट, इट शिफ्ट टू द कंडक्शन बैंड में चला जाता है ये। अगर ये बैंड बन गया ना, अगर यहाँ रहेगा तो इसका एनर्जी लो होगा, तो ये सिर्फ बैलेंसी के काम कर पाएगा बेचारा। अगर आप एनर्जी देकर इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हो, तो फिर ये कंडक्शन बैंड मतलब लैटिस के बीच की जो खाली जगह है वहां चला जाएगा। करते हैं गल, पढ़ के आए हैं। हाँ, वो अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फिर होल तो बनेगा ही, अब वो लेटर अभी इसके बाद ही आएगा।
लिख लीजिए इसको। अब थोड़ा देखिए, अगर मान लो मेरे को सिलिकॉन का क्रिस्टल है, उसको मैं थोड़ा ये मैं ड्रा कर देता हूँ। अब यहाँ पे हो क्या रहा होगा, क्योंकि अगर ये आपस में जुड़े हुए हैं तो इनकी शेयरिंग हुई होगी ना इलेक्ट्रॉन की, तो इसको ऐसे दिखाते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास भी जा रहा है, ऐसे डॉट लगा देते हैं यहाँ पे, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास भी जा रहा है सीधी तरह नीचे की तरफ, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास भी जा रहा होगा और इसके पास भी और इसके पास भी, और ऊपर एक सिलिकॉन होगा इसके पास भी जा रहा होगा और उसका इसके पास भी आ रहा होगा। तो देखिए इस सिलिकॉन का कोटा पूरा हो गया, क्योंकि इसको चार इलेक्ट्रॉन मिल गए, 1, 2, 3 और 4, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। सिंगल ये वाला सिलिकॉन करते हैं सारे, तो ये डायग्राम ऐसे बनता है। आप चाहो तो एरो भी लगा सकते हो कि यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां आ रहा है। आगे क्रिस्टल कंटिन्यू करेगा ना, ऐसा होगा कैसे? वो डिपेंड करता है कि आपके क्रिस्टल में एटम कितने हैं, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। अगर तो इवन होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी उनको, क्योंकि इवन का तो बैलेंस ही क्या हो जाएगा, सभी का पूरा हो जाएगा। अगर ऑड होगा तो फिर दिक्कत आएगी, तो फिर 1 का या 2 या 3 का रह जाएगा, तो सिमेट्रिकल होता है अरेंजमेंट इनका, तो इवन नंबर में ही होते हैं सारे। अब वो लगवाते हैं कि आप डोपिंग वगैरह करके इनको कर सकते हैं, वो लेटर हम देखते हैं, वो हमें आएगा भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। इसको भी थोड़ा इसकी समझा, फिलहाल के लिए सारे जो इलेक्ट्रॉन है ये किस चीज के एक्ट कर रहे हैं, ये कहाँ प्रेजेंट रहे हैं सारे, ये वैलेंस बैंड के अंदर प्रेजेंट है सारे, इनका एनर्जी सभी का कम है। अब मान लीजिए आपने इस क्रिस्टल को हीट करना शुरू कर दिया नीचे से, तो भी हीट करने से क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे यहाँ से एक्साइट होकर कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। मान लेते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहाँ से, येलो में कर रहा हूँ, या फिर छोड़ेगा मान लीजिए यहाँ आ गया बीच में जगह, मतलब ये मान लीजिए फ्री हो गए, क्योंकि इसके ऊपर नेट चार्ज तो कितना होता है क्रिस्टल के ऊपर, 0 ही होगा, क्योंकि सिलिकॉन पूरा जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है तो उसके पीछे कौन सा चार्ज बन गया होगा, पॉजिटिव, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं होल। तो ये पीछे जो स्ट्रक्चर बना है ये वाला, इसको बोलते हैं लोग होल। अगर आपने कभी गोल्फ देखा होगा ना, तो गोल्फ में भी ऐसा ही होता है कि पूरी समतल जमीन होती है, बीच में क्या होता है छोटा सा, अगर बॉल यहाँ से आ रही है तो इस होल के अंदर आके गिर जाती है, सेम यहाँ पे होता है। ये होल स्टेल नहीं होता एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन चुका है ना। अब ये पॉजिटिव क्या कर सकता है, या तो इस इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, ये इसको भी कर सकता है। अब मान लो इसने इसको कर लिया, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन आ गए, इसको मैं वाइट कर देता हूँ, तो उसकी जगह पे क्या बन गया होगा, यहाँ होल बन गया होगा। फिर ये मान लीजिए इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये फेल हो जाएगा पूरा, तो उसकी जगह पे क्या बन जाएगा, तो होल स्टेल नहीं रहता है इसके अंदर, ये मूव करता रहता है लगातार। क्लियर हुआ? तो होल का मूवमेंट होता रहेगा, यहां बन गया कभी यहां बन गया एंड सो ऑन। अब ये सारी कहानी कब है, जब हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है, बाहर से आप बैटरी नहीं अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर,
सिंपल क्रिस्टल पड़ा है रूम टेम्परेचर पे, सबकी कहानी है कि होल बना वो अपने आप ही आगे आगे शिफ्ट हो जा रहा है। हाँ, पर उसका जो शिफ्ट होने का डायरेक्शन होगा वो रैंडम होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट होता जाएगा, वो इधर भी शिफ्ट हो सकता है उधर भी शिफ्ट हो सकता है, तो वो रैंडम डायरेक्शन होगा। तो आपको याद होगा रैंडम मोशन क्या करंट बनाता होता है, रैंडम मोशन कभी भी करंट नहीं बनाता है। तो फिलहाल इसके अंदर कुछ करंट वगैरह कुछ नहीं बनेगा। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, बाहर से वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं इसी क्रिस्टल के ऊपर, उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। मान लो यहाँ पे एक एटम था और ये मैं इसको प्लस में दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो उसके पास क्या बना हुआ है, होल है। ठीक है, बाकी को नॉर्मल दिखा देते हैं वाइट में, ये सारे नॉर्मल एटम्स हैं, इनके पास होल नहीं है। एक यहाँ लगा देते हैं बीच में, इसके पास भी होल है। येलो में ड्रा की हो और बीच में ऑफिस वाले के इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए होंगे, फ्री हो गए होंगे, क्योंकि होल कब बना, जब इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन को मैं रेड में शो कर देता हूँ, वो यहाँ कहीं क्रिस्टल के बीच होंगे या जो फ्री जगह है वहां पे कहीं बैठे होंगे। इलेक्ट्रॉन द्वारा भी तो प्लस होता है कैसे, नहीं वो नहीं फिर, आएगा क्योंकि उसका एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो तो तेज मूव कर रहा है ना, वो इसके अंदर नहीं गिरेगा। आप ऐसे कह सकते हैं कि बॉल बहुत तेजी से आ रही है, वो बॉल को ओवर शूट करके, ऐसे कह सकते हैं, जैसे इन बैलेंस वालों की खींच सकता है फिलहाल के लिए, उनका एनर्जी कम होता है। अब देखिए जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करोगे बाहर से, बैटरी अपने लगा दिए, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे जो कि वैलेंसी का काम कर रहे हैं फिलहाल, ग्रीन में शो कर रहा हूँ, ये प्लस क्या करेगा उनको, ये प्लस इनको, इनके ऊपर फोर्स लगाया ना कि आप मेरी तरफ आइए, लेकिन बीच में ये ए प्लस भी खड़ा है, तो ये जब उसकी तरफ टिल्ट करने की कोशिश करेगा तो ये इसको क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, तो इस ग्रीन की जगह पे क्या बन जाएगा अभी, और ये होल क्या हो गया, ये खत्म हो गया, इसको ग्रीन से पूरा कर देते हैं, ये खत्म हो गया होल। अब उसके बाद क्या होगा, अगला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां आ जाएगा, तो होल यहां से भी खत्म हो जाएगा और यहां बन जाएगा। तो अगर आप देखें टेक्निकली होल का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है इस तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ मूव करेगा, ये वाले जो फ्री है ये इस तरफ जाएंगे, तो वही कंडक्टर वाला सीन नहीं हो गया, जैसे कंडक्टर में होता है इस तरफ जा रहा है वो उस तरफ जा रहा है, समय के साथ इसके अंदर करंट बनना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि होल मूव नहीं कर रहा टेक्निकली, वो जस्ट क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, वो भी होल को मूव करना पॉसिबल नहीं है, बहुत हैवी होता है वो, पूरा एटम है ना, देखो पूरा एटम कहाँ मूव कर पाएगा साथ में, जस्ट वो टेक्निकली शिफ्ट ही हो रहा है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग,
दोनों सेमीकंडक्टर भी बढ़ रहे हैं ना, इसका नाम है एक अलग से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, क्योंकि इसमें सिर्फ सिलिकॉन के ही एटम है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का सारा मटेरियल है। तो यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं इसके बारे में, और इनके लिए ये वाला क्वेश्चन होल्ड करता है। यहाँ पे Ne क्या माना जाएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन क्या हो गए थे फ्री। NH क्या माना जाएगा, नंबर ऑफ होल्स, जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतने क्या बनेंगे वहां पे होल्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इस पर लिख देते हैं Ni के इक्वल, Ni मतलब नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, मतलब टोटल कितने आपके वो चार्ज कैरियर्स है वहां पे, कितने आप नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कितने चार्ज कैरियर्स हैं वहां पे, चार्ज कैरियर्स टोटल मत करना उनको, क्योंकि हम लोग करंट सिर्फ प्लस की मूवमेंट से लेते होते हैं कि कितने प्लस मूव कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। तो यहाँ पे कई बार आपको करंट का फॉर्मूला लिखने के लिए भी बोलते हैं, तो आपको याद होगा वो आई इक्वल्स टू एन ई ए बी डी, बी डी अगर उनका ड्रेस लॉस होगा, एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे दो तरह के करंट बनेंगे, एक होल्स के कारण बनेगा एक किसके कारण बनेगा, तो टोटल करंट हम क्या मानेंगे यहाँ पे आई एच प्लस आई ई, फिर क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं सर, एन ई एन एच क्या है वो, वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स, वो इफेक्टिव इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कितने बन रहे हैं इफेक्टिव, देखा लो कि एक डायरेक्शन में कितने चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं, ये आप पुट कर दोगे आई एच को एन एच ई ए बी डी प्लस एन ई माइनस ई ए बी डी। हाँ यहाँ पे इन दोनों का ट्रिक लॉस ही अलग अलग होगा, क्योंकि वो हैवी थोड़ा वो क्या है थोड़ा हल्का है, उसका लिख सकते बी डी ई, इसको कुछ और नाम देना ई डैश। तो ये टोटल करंट बनेगा इस सेमीकंडक्टर के अंदर, इसके लिमिटेशंस क्या हैं इंटेंसिव सेमीकंडक्टर्स की, या इनको हम यूज क्यों नहीं करते हैं, हम इनको बिल्कुल यूज नहीं करते हैं हमारे किसी मशीन के अंदर, क्योंकि इनकी कुछ लिमिटेशन है। इनकी पहली और सबसे मेजर लिमिटेशन है कि ये जहां पे कंडक्टिविटी बनेगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, या समझ रहे कि क्यों टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर थोड़ा पीछे निकाह आ रहे हैं, ये यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री क्यों हुआ था, क्योंकि हमने नीचे से क्या किया था हीट किया था, तो जिस हिसाब से टेम्परेचर होगा उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे फ्री होंगे, अगर कम टेम्परेचर है तो कम इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, ज्यादा है तो फिर ज्यादा हो जाएगा, तो इसका जो कनेक्टिविटी है किस पे डिपेंड कर रहे हैं इंटायरली ऑन टेम्परेचर। हम लोग चाहते हैं कि टेम्परेचर पर डिपेंड ना करे, हम उसको कंट्रोल करें,
दूसरा इसका लिमिटेशन है, इनका कनेक्टिविटी काफी लो होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कम बनते हैं। थर्ड इनका जो करंट का रेशियो बनता है करंट रेशियो भी ऑलमोस्ट इक्वल होता है, जो Ne के कारण करंट बनेगा, जो NH के कारण करंट बनेगा, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल होता है। और हम चाहते हैं कि इक्वल ना हो, हमें ये चाहिए, वरना वो कैंसिलेशन हो जाता है, तो इफेक्टिव हमें ज्यादा नहीं मिल पाता है। तो इसके तीन लिमिटेशन है, अब जिनको हमने ओवरकम करना है इससे अगले टॉपिक में। कर दिया कि इसका सेकंड पार्ट ले लीजिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इसका सवाल आपका चैम्बर पेपर में आया हुआ है, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बना हुआ है ना, बड़ा क्वेश्चन, उसका एक पार्ट इसका आया हुआ है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हाँ 26 को है, 26 अप्रैल इंट्रिंसिक, उनको प्योर भी बोलते हैं, इनको आप बोलोगे इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। INTRINSIC, INTRINSIC। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा डोपिंग। सुना आपने पहले भी, डोपिंग क्या होता है? लास्ट में वर्ड आया ना कैलकुलेटिव मैनर, क्योंकि हम इम्प्योरिटी के मोल्स वगैरह कैलकुलेट करके डालते हैं अंदर, कि हमने इम्प्योरिटी के कितने मोल्स डालने हैं अंदर। ऐसा नहीं कि इम्प्योरिटी को उठा के सिंपल डाल दे रैंडमली, जितनी मर्जी चली जाए, ऐसा नहीं करते हैं डोपिंग में। और जिस इम्प्योरिटी को डालते हैं उसको बोलते हैं डोप, जो हम लोग इम्प्योरिटी डालते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मोल कंसेप्ट को यूज करते हैं, इवन आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल है और इसके अंदर सपोज करें 10 लाख सिलिकॉन के एटम है, और फिर 10 लाख में से इसके अंदर आप फास्फोरस को ऐड करना चाहते हो, जो कि डोप होगा, और आप चाहते हो कि टोटल यहां पे 3 लाख फास्फोरस एटम रिप्लेस कर दें सिलिकॉन को, तो आप क्या कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपको कितना ग्राम फास्फोरस डालना पड़ेगा उसके अंदर। मोल कंसेप्ट से फास्फोरस के एक मोल का कितना वजन होता है, ये कह रहे कि इसका मोलर मास कितना होता है फास्फोरस का, 31 ग्राम होता है ना, 15 होता है, और डबल की 30 प्लस 1 की है 31, और एक मोल में कितने एटम होते हैं 6 पॉइंट, तो इतने एटम्स का इतना वजन है,
और तुमने डालने कितने हैं वहां पे 3 लाख, तो एक जीरो आइटम का डाल कितना वजन आ जाएगा, एक का 31 अपॉन। अब तुम्हें 3 लाख आइटम के वजन चाहिए, तो उसको 3 लाख से क्या कर दोगे, तो ये जो कैलकुलेशन करके आएगा आपका, उतना ग्राम ऑफ फास्फोरस उसके अंदर डालोगे, समझेंगे। या फिर पूछ सकता है कि इतने को रिप्लेस करने हैं तो बताइए कितना ग्राम बनता है, उसके ऊपर मोल कॉन्सेप्ट को लगाओगे, दोबारा एक मोल में फास्फोरस के एक मोल में इतना वजन होता है जिसको बोलते हैं मोलर मास, 31 ग्राम, और एक मोल में इतने एटम्स होते हैं, तो फास्फोरस के इतने एटम्स का वजन इतना है। यहां से मैंने क्या किया, इसके एक एटम का वजन निकाल दिया, देखो इससे डिवाइड कर दिया। अब मैंने डालने कितने टोटल, 3 लाख एटम, तो 3 लाख का कितना वजन होगा, ये एक का वजन, इतना एक का वजन था, इसको 3 लाख से क्या कर दिए मल्टीप्लाई, तो उतने ग्राम फास्फोरस आप डाल दो उसके अंदर, तो इसको बोलेंगे डोप कि हमने कैलकुलेशन करके उसके अंदर डाला था, समझ गए। ये जो इंप्योरिटी हम लोग ऐड करते हैं ना, ये या तो ग्रुप नंबर 13 की करते हैं या ग्रुप नंबर 15 की करते हैं, क्योंकि सिलिकॉन खुद किस ग्रुप से लिंक करता है, ग्रुप नंबर 14। अगर आप ग्रुप नंबर 13 की डाल रहे हो प्योरिटी, उसको बोलते हैं ट्राई वेलेंट प्योरिटी, अगर आप 15 की डाल रहे हो तो पेंटा वेलेंट, क्योंकि उनका वेलेंसी 5 होता है, इसका और उसका 3 होता है, तो ट्राई वेलेंट आ गए। वो आपने सुने होंगे एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, तो आप यहीं से उसको लिख सकते हो, और पैसे बाद में भी आ ही जाएगा। अगर तो आप 15 की डाल तो हमेशा एन टाइप बनेगा, अगर आप 13 की डाल तो कौन सा बनेगा, हमेशा पी टाइप बनेगा। एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप, पी मतलब पॉजिटिव टाइप, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की गिनती ज्यादा हो जाएगा। तीन ही मेन होते हैं, एक आर्सेनिक है, एक एंटीमनी होता है, और एक खुद फास्फोरस होता है, ये ग्रुप नंबर 15 के। 13 में आपको एक तो मिलेगा बोरोन अल्मीनियम, उसके बाद आपको मिलेगा गैलियम एंडियम, और लास्ट में होगा थैलियम। बोरोन का कभी एडिशन नहीं करते हैं, बहुत रेयर है, इन तीन के किया जाता है मोस्टली, इन तीन का, इन तीन में से दो ही होते हैं मेन, गैलियम और एंडियम। तो अगर आपको बोला जा रहा है कि सिलिकॉन के अंदर हम एंडियम डाल रहे हैं, तो बताओ कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, तो बता सकते हो कि वो पी टाइप होगा, बस आपको ये नाम थोड़े याद होने चाहिए, पहले तो याद करने के शॉर्टकट भी होता है। बैंगन आलू गाजर इन थैला, ग्रुप नंबर 13 का, अगर आप एलिमेंट्स को याद करना चाहते हो, कई बार हो जाता है, अरे एक के याद कर लो तो दूसरे को याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखो पेपर में अगर इनमें से कोई नहीं आया कि ये ऐड कर रहे हैं, तो पक्का इसी का होगा जो ऐड कर रहा होगा, तो आप बोल सकते हो कि वो एन टाइप बनेगा, वैसे इसके भी होते हैं शॉर्टकट, क्या बात है, रात को जो है वो कोई भी ना पावे तो हमारे कैसे अगर इंटेंसिव हो कैसे जाएगा, अगर कुछ नहीं डाल रहे तो इंटेंसिव ही होगा। ना ना कह रहे कि आप अभी भी चेक कर फोर लिया, आइटम पाता चेक कर ले कि बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, बैंगड़ा तो पाया नहीं का। करते आगे, आप पहले वो सिलिकॉन पे ट्राई कर लीजिए, वैसे ही थोड़ा डोपेंट का दिखा देते हैं इफेक्ट कैसे पड़ता है। ये वो वैलेंसी दिखा रहे हैं, सपोज आपने इसके अंदर फास्फोरस को डाला है, तो सिलिकॉन को थोड़ा रिप्लेस कर देते हैं, कि थोड़े से सिलिकॉन को फास्फोरस में रिप्लेस कर दिया, मान लो इसको कर देते हैं और एक सपोज इसको कर देते हैं, या इसको कर देते हैं।
फास्फोरस का बैरम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? फास्फोरस के पांच होते हैं ना, दो आठ पांच पंद्रह होंगे। अगर यहाँ पे सिलिकॉन होता तो सिलिकॉन यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था ना, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो चार तो ये भी शेयर कर देगा, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, लेकिन फिर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या माना जाएगा यहाँ पे? वो फ्री माना जाएगा, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा वैलेंसी का। ऐसे ये भी चार्ज शेयर कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या माना जाएगा? फ्री। तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर की जरूरत पड़ी आपको फ्री करने के लिए? अब हम अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा सकते हैं, जितना ज्यादा फास्फोरस से ऐड कर दोगे उतना ज्यादा क्या बन जाएगा तुम्हारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उतना ही ज्यादा क्या करेगा वो करंट को कंडक्ट कर लेगा। अब हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं इसको, लिख लिया नीचे। नाउ वी कैन इजीली अब एक चीज हम और नोटिस करें, तो बहुत ज्यादा इसके सुबह हीट नहीं कर रहे हो, या आप इसको रूम टेम्परेचर पे रख रहे हो, तो हीट करने तो सेम प्रोसेस हो गई जो पहले हो रहा था। यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये वाला मान लो ये क्या हो जाएगा फ्री, इस जगह क्या बन जाएगा? वो तो अपना बनते रहेंगे, तो जितने होल बनेंगे उतने क्या बनेंगे? इलेक्ट्रॉन जो पहले था, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी भी प्रेजेंट है, होल बनने से पहले भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होल्ड करेगा कि एन ई ग्रेटर देन, तो वो तो हीट देना बन जाता है, वो तो एक बन गया हीट नहीं, अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आ रहे हो तो हीट तो अब्सॉर्ब कर ही लेगा, तो होल बन जाएगा और उसके साथ ही क्या इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, लेकिन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है वहां पे, तो इलेक्ट्रॉन का गिनती क्या हो जाएगा? और टोटल नंबर ऑफ चार्ज कह रहे जाते हैं आपके एन ई प्लस एन एच, इलेक्ट्रॉन प्लस फोर्स यहाँ पे आते हैं, हालांकि इनका गिनती इनके मुकाबले बहुत ज्यादा होगा, तो दैट्स इन ऐसे में इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं नेगेटिव टाइप, एन टाइप का नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स।
करंट बनेगा कुछ ये बनेगा वही तो है फॉर्मूला Ne plus NH EAPD हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं हाँ करेगा वो वाला वो तो टेम्परेचर वाला होगा पर वो दूसरा वाला हम तो इसको देख रहे हैं जो हमने खुद से प्रोड्यूस की है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनको मूव करवाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के भी वो तो करेंगे जैसे पहले बोल रहे वो तो करेंगे जब फील्ड लगाओगे आप पर ये एक्स्ट्रा वाले काम करेंगे हमारा ये वाले तो क्या ये क्रिस्टल आपका न्यूट्रल रहेगा पूछ सकते हैं आपसे कि जो एन टाइप क्रिस्टल में न्यूट्रल नहीं होता है उसके ऊपर ऑलरेडी क्या होता है वहां चार्ज होता है नेगेटिव हालांकि हम लेटर ऑन चैप्टर में प्रूव करेंगे कि न्यूट्रल भी होता है फिलहाल के लिए लिख लीजिए कि इसके ऊपर नेट चार्ज क्या रहता है नेगेटिव रहता है नेगेटिव नहीं होना चाहिए था क्योंकि हमने जो फास फोर्स डाला है उसके पास तो फिर 15 प्रोटॉन है अगर एक इलेक्ट्रॉन फालतू तो उसके अलावा फिर एक प्रोटॉन भी तो फालतू है ना ऐसा फिर बस की क्या कैंसिल हो गया हां मतलब ओवरऑल चार्ज तो क्रिस्टल का चिन्ह जीरो ही रहेगा पर इसको नेगेटिव टाइप बोला जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन आपके पास अर्थ से फ्री हो गए तो आप इसमें लिख लीजिए अगर आपसे पूछा जाता है कि नेट चार्ज क्रिस्टल में कितना रहेगा चल कितना रहेगा ये जो ओवरऑल चार्ज होगा ना क्रिस्टल का ओवरऑल चार्ज क्या होता है कि कितने पॉजिटिव है कितने क्या है नेगेटिव है वो तो जीरो ही रहेगा अरे उसने यार इलेक्ट्रॉन को छोड़ा नहीं है फिलहाल बिल्कुल तो पांचवा इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंसी का काम नहीं कर रहा है ऐसा कह दीजिए क्योंकि वैलेंसी के लिए जगह ही नहीं चार की तो जगह थी पांच में पूरी हो गया अपने आप होल कब बनेगा सुन उसके बाद 15 प्रोटॉन तो है ही ऑलरेडी और 15 इलेक्ट्रॉन थे 15 में से 14 यूज में आ रहे हैं एक हो गया फ्री तो क्या होगा 9 इलेक्ट्रॉन हो गए इसका ना दिखेगा कैसे 9 8 है दे फिर एक वो सी बात है आठ के हो गए सर शेयरिंग से आठ हो गए एक के देखो आप दा पे हां तो नौ हो गए ठीक है फिर वो नाइन वाला फ्री हो गया वो ऑक्टेट में नहीं कंट्रीब्यूशन कर रहा है सर ये कैसे 3D हो गया फिर क्यों नहीं बोल रहा अरे वो वैलेंसी का काम नहीं कर रहा समझो काले का कर रहा है अरे वो उससे मतलब कह लो एनर्जी ज्यादा नहीं है उसकी क्योंकि वैलेंसी में वहां पे जगह ही नहीं है तो फिर वो का क्या करेगा ऐसा बोले ये दूसरे एटम उसको रिपेल करेंगे क्योंकि उसकी जगह नहीं बन रही है तो वो थोड़ा उसका एनर्जी बढ़ जाएगा रिपल्शन पर नेट चार्ज चले इसका जीरो रहेगा नोट कर लिया